वहीं फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आज, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और भक्तों में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है नवरात्रों को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। और अब मैं यहाँ आपको प्राचीन मंदिर है गांव झारसेटली का, यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ कि तमाम जो गांव की महिलाएं हैं वो यहाँ एकत्रित हुई हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भजन कीर्तन उनके द्वारा लगातार जो किया जा रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो माता का मंदिर है उसमें लगातार महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है और तमाम तरह के आप देख सकते हैं तैयारियां हैं। कलश यात्रा यहाँ पर निकाली जानी है तो कलश भी यहाँ पर जमा किए हुए हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो लगातार माता के भजन जो है गाकर माता को प्रसन्न करने में लगी हुई है, क्योंकि आज माँ शैलपुत्री का पहला दिन है। लगातार इसको लेकर पहले से तैयारियां की गई थी और तमाम मंदिर में जो महिलाएं हैं वो आपको यहाँ पर भजन कीर्तन करती हुई नजर आ जाएंगी। तमाम गांव के लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग भी उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आज पहला दिन है माता का नवरात्रि का, क्या कुछ मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये हमारा युगों से बहुत पुराना मंदिर है और इसकी पूजा बड़ी बस्ती हमारी जो है बड़ी मान्यता से मनाती है। पहला नवरात्रा है, आज शुभ दिन है देवी मैया का और बाकी हमारे स्वामी जी बताएंगे। तो यहाँ पर महंत है इस मंदिर के, इनसे हम जान लेते हैं। महंत जी, क्या मानते हैं, कितना महत्व है आज पहले नवरात्रे का? पहले नवरात्रे का यही महत्व है, जब भगवान विष्णु ने माता वैष्णो देवी को प्रसिद्ध किया है तो उसी समय से सबसे उच्च प्रधान प्रथम नवरात्रा होगा। यथा नमे न प्रथम दुर्गावती नम अंतरम प्रथम नवरात्र लक्ष्मी उपाय भव। बिना लक्ष्मी के संसार में कुछ नहीं है। पहला नवरात्र लक्ष्मी के चरण है, पहला नवरात्र जो लक्ष्मी के चरण है। हमारा जो शरीर है वो वर्णों में बटा हुआ है, यथा रामे नम ब्रह्म रूप है, वसा क्षत्रि रूप है, वदे नम वैष्ण रूप है, वदे नम शुक्र रूप है। तिल कमल फेक कमस्ती, तिल कमल के जो वक्त है भगवान के वो बहुत सुंदर है और माता के बिना कोई शुक्र नहीं है। पहला नवरात्र हमारी माता जी का है और आज से ही हमारी श्री राम कथा शुरू है, पृथक राम कथा है। हमारा जो आश्रम है, जो हमारा परिसर है, वहाँ पे लगातार तमाम जो महिलाएं आई हैं, आज एक कलश यात्रा का आयोजन भी आपकी तरफ से किया जा रहा है। तमाम महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं ग्रामीण क्षेत्र से, 151 में। तो क्या मानते हैं, किसके लिए किया जा रहा है, सुख शांति के लिए, किस तरीके से शांति के लिए किया जा रहा है, धन के लिए किया जा रहा है? ये काम हमारा जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, वो हमारा हिंदू राष्ट्र के लिए किया जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र के लिए किया जा रहा है, तमाम जो संस्कृति है हमारी उसके अनुरूप लगातार जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आपसे भजन कीर्तन करती हुई नजर आएंगी। तमाम तरह के जो यहाँ पर कलश है वो यहाँ पर सजाए गए हैं, कलशों को लेकर जो महिलाएं बैठी है, क्योंकि कुछ देर में यहाँ से एक यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा पूरे गांव की परिक्रमा करेगी और उसके बाद ये कलश रहेंगे 9 दिन तक। 9 दुर्गे के जो व्रत है वो यहाँ पर महिलाएं लगातार करती है और इसको लेकर लगातार पहले से तैयारियां की जाती है, क्योंकि काफी भव्य तरीके से नवरात्रों को यहाँ पर मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में लगातार जो है भीड़, वो श्रद्धालुओं की भीड़ है जो वो लगातार उमड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी इसको लेकर काफी उत्साह। आप देख सकते हैं बच्चे को लेकर अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं नवरात्रों को? भाई नवरात्रि हमारा काफी पुराना चलता आ रहा है, नवरात्रि पहला दिन है तो अच्छा लगा, यहाँ काफी उत्साह है। परिवार के साथ पहुंचे, पूरे गाँव वाले भी आए हैं और शोभा यात्रा भी निकलेगी माता रानी की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार पूरे परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह नवरात्रों को लेकर लोगों में दिखाई दे रहा है। जी हितेंद्र, चलिए बहुत